जो अंगूठा इस तरिया डाल के यो सिखा है तेरे को साहब ने, इस तरिया जीतता है कि इंटरनेशनल मेडल। रेडी ना थी पापा। हाँ तो रेडी हो ले। कुछ कैरेक्टर अधिकतर इतिहास की परतों में छुप जाते हैं, पर फिल्म मेकर हमेशा ऐसे कैरेक्टर को हमारे सामने फिल्मों द्वारा लाते हैं और हमें मौका देते हैं उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने का। मौके है, फैमिली लेकर निकल जाओ, सोशल वर्क में लग गए तो फंस जाओगे मिस्टर रंजीत। मैं फंसने वालों में से नहीं हूँ। तो इस बार हम आपके सामने लाए हैं दुनिया के कुछ इंस्पायर करने वाले लोगों को, जो अपने सामने आने वाली दीवारों को तोड़कर आगे बढ़ते हैं और जो कभी हार नहीं मानते। तो आप देख रहे हैं मीडिया हिट्स और आज हम बात करेंगे टॉप 10 इंस्पिरेशनल मूवीज बेस्ड ऑन रियल लाइफ। ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। नंबर 10 निर्जा। खुदा तुम्हारी जिंदगी लंबी करे। बाबू मुशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अरे माशाल्लाह। निर्जा भनोट एक रहस्य से और वो बहुत बड़ी फैन है राजेश खन्ना की। उनका विश्वास है जिंदगी बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं, और जो एक सफल मॉडल भी है। मॉडलिंग इतनी अच्छी चल रही तेरी। अच्छा मजदूरों वाला काम करना जरूरी है। ए होस्टेस की जॉब छोड़ क्यों नहीं देती? आई लाइक माय जॉब। 1986 में भारत से अमेरिका जा रहे विमान का 4 आतंकवादियों द्वारा अपहरण करके कराची में उतारा जाता है और उसमें 360 से अधिक यात्री होते हैं और निर्जा उसी प्लेन में मौजूद होती है। अपहरणकर्ताओं की बदसलूकी से अचानक निर्जा को अपनी असफल बीती हुई शादी याद आती है और उसके बाद आप देखेंगे निर्जा कैसे अपनी सूझबूझ और अपने जज्बे से कठिन परिस्थिति से लड़ती है। यही फिल्म में बताया गया है। मैं आपकी मदद कर रही हूँ, अगर ये शांत रहेंगे और आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, इनको तसल्ली मिलेगी तो आपका ही काम आसान जाएगा। सुनिए प्लीज। नंबर 9 बॉर्डर। आपकी छुट्टी मंजूर हुई है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है। दुनिया में किसे प्रॉब्लम नहीं? जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। 1971 में भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना के साथ युद्ध करने के लिए पंजाब के लोंगेवाला क्षेत्र में एक निर्जन स्थान पर भेजा जाता है। इस युद्ध में भारतीय सेना के पास 120 सैनिक और कुछ जेट प्लेन होते हैं और इसी के विपरीत पाकिस्तानी सेना के पास युद्ध टैंक, हथियार, गोला बारूद के साथ 2000 से अधिक सैनिकों की बटालियन शामिल होती है। यहीं पर भारतीय सेना द्वारा इतिहास रचा जाता है। भारतीय सैनिकों ने अपने जज्बे, देशभक्ति से पाकिस्तानी सैनिकों को मात दी। इस शाम कई सारे भारतीय सैनिक शहीद भी हुए, पर अपने मजबूत इरादों के कारण पाकिस्तानी सैनिकों के इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दिया गया। अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? बता दसा जंग की दचिता क्या पा। नंबर 8 सचिन अ बिलियन ड्रीम। तेंदुलकर के लिए पागल फैन, उनके लिए वह पल दिल थाम देने वाला है जब क्रिकेट के इतिहास में सचिन की शुरुआत का दृश्य दिखाया जाता है। इसके अलावा फिल्म में कभी ना मिटने वाली याद को ताजा किया गया है। हर खिलाड़ी को निराशा के बाद अपने पैरों पे खड़े होकर लड़ना जरूरी होता है। इन सारी डिसअपॉइंटमेंट्स को मैं अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था, बहुत पर्सनली ले रहा था मैं। साथ ही फिल्म में क्रिकेट से जुड़े हुए विवादों को जगह दी गई है। हालांकि सचिन की उपलब्धियां इतनी ज्यादा है कि उसे एक फिल्म में दिखाना समेटना मुश्किल है। हमारे गांव में मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं है, टॉकीज भी नहीं है। हमारे लिए मनोरंजन का मतलब सिर्फ सचिन का बैटिंग। निंदा करने वाले यह भी कह सकते हैं कि ये सारे फुटेज YouTube पर मौजूद है, लेकिन ऐसे लोग जिनके लिए सचिन एक इमोशन है, उनके लिए यह मूवी अपनी यादों को ताजा करने का एक जरिया है। विलक्षण प्रतिभा के धनी लोग भले ही पैदा होते हैं, पर अपनी तैयारी और धैर्य से ही सचिन बनते हैं। नंबर 7 धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे, हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं खड़कपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे। फिल्म झारखंड के एक शहर रांची से शुरू होती है। स्कूल क्रिकेट कोच बनर्जी धोनी को स्कूल क्रिकेट टीम ज्वाइन करने का बोलते हैं और रोजाना 2 घंटे प्रैक्टिस करने का बोलते हैं। तभी धोनी अपनी मेहनत और लगन से स्टेट लेवल क्रिकेट टीम के लिए चुना जाता है, पर धोनी का लक इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए साथ नहीं देता। अगर उधर खड़कपुर में जॉब का सिक्योरिटी में फंस गए ना पापा, तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बस हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम बस एक ट्राई मारना चाहते हैं।
जो साल भर में कुछ नहीं हुआ ना, तो आप जैसा चाहते हैं वैसा करेंगे। तब धोनी इंडियन रेलवे से टिकट चेकर की जॉब छोड़कर इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए निकलते हैं और अथक प्रयासों के बाद सिलेक्ट होते हैं और एक सक्सेसफुल कप्तान के रूप में उभरते हैं। देखिए, इस टूर्नामेंट से हमको इतना पता चल गया है कि इतने से नहीं होगा, हमको और मेहनत करना पड़ेगा। नंबर 6, मांझी द माउंटेन मैन। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मांझी द माउंटेन मैन कहानी घूमती है दशरथ मांझी और उसके प्यार फगुनिया के बीच। एक दिन फगुनिया पहाड़ से फिसलकर गिर जाती है। यही पहाड़ दशरथ के गांव से निकलने का एक लौता रास्ता है। अपनी पत्नी की मौत के विलाप में दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ने की ठानते है। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। दशरथ मांझी अकेले ही छेनी और हथौड़े से पहाड़ को तोड़ते हैं और 22 साल के कठिन परिश्रम से मांझी इस पहाड़ को एक रास्ते का आकार देते हैं। ये भीतर का घाव जब तक ये टूटेगा नहीं, मरेगा नहीं। नंबर 5, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था योर ऑनर, हमारा मकसद सिर्फ अपनी बात सुनाना था और बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इसलिए ये बॉम्ब फोड़ा गया। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह कहानी आधारित है लीजेंडरी फ्रीडम फाइटर भगत सिंह पर, जो अपने बचपन में ब्रिटिश अफसरों द्वारा अपने लोगों पर हुए अत्याचारों को देखते हैं और बड़े होने के बाद वे शादी न कर स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं और भारतीय आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं, जिनको अपनी छोटी सी 23 साल की उम्र में ही फांसी चढ़ाया जाता है और जो देश के लिए शहीद होते हैं। ये है आपका कानून और ये है आपका इंसाफ। आप लोग मुजरिम हैं, कानून की आड़ में छुपे हुए जल्लाद हैं। हम इस बेईमान और झूठी अदालत में दोबारा काम नहीं रखेंगे। ऑर्डर, ऑर्डर, टू हेल विद योर ऑर्डर, टू हेल विद योर लॉ। जो फैसला आप लोग कर चुके हैं, जब दिल करे सुना देना। इनकलाब जिंदाबाद। नंबर 4, सरदार। राजनीति असंभव को संभव बना देने की कला है। सरदार मूवी सरदार पटेल की बायोग्राफी है। सरदार पटेल ने भारत के निर्माण में वही भूमिका निभाई जो कभी चाणक्य ने निभाई थी। वह एक राष्ट्र में 500 से अधिक साम्राज्यों को एकजुट कैसे करते हैं। मूवी में भारत और पाकिस्तान के निर्माण के सभी जटिल विवरणों को दो अलग अलग रूप में दिखाया गया है। सोचना ये नहीं है कि हमने क्या गवाया, बल्कि देखना ये है कि हम कितना बचा पाए। अब देश का कम से कम 80-85% हिस्सा हमारे पास है और हम उसका विकास अपने हिसाब से और अपनी प्रतिभा से करेंगे। कभी सरदार पटेल जिन्ना की मांगों के सख्त खिलाफ हुए तो कभी कभी उनकी मांगों को स्वीकार करते हैं और टुकड़ों में बटे भारत के छोटे छोटे राज्यों को एकजुट करते हैं। सरदार पटेल भारत की स्वतंत्रता के समय हर तरह की प्रॉब्लम, बंटवारा, हिंदू मुसलमान दंगे और सभी तरह की प्रॉब्लम को अपनी सूझबूझ से निपटाते हैं और एक अखंड भारत का निर्माण करते हैं। कश्मीर बचाना है हर हाल में, किसी भी कीमत पर, जो भी जरूरी है वो किया जाएगा। नंबर 3, भाग मिल्खा भाग। पाना इंडिया का कोर्ट है? इंडिया का कोर्ट पाना है, इसको हराना पड़ेगा। हराएगा शेर सिंह राणा को, बोल, हराएगा शेर सिंह राणा को। मिल्खा सिंह अपने जीवन की यात्रा के समय एक ग्लास दूध के लिए दौड़ते हैं और जल्द ही भारतीय एथलीट के रूप में फेमस हो जाते हैं। पर उनकी सफलता की कहानी के साथ उनके बीते हुए भयानक कल के बारे में बताया गया है, जब बंटवारे के समय उन्हें अपने परिवार को खोना पड़ता है। फिर उनकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो उनको फोकस करना सिखाती है और फिर मिल्खा सिंह लगातार एक के बाद एक सफलता की कीर्तिमान अपने नाम करते चले जाते हैं और अपनी मेहनत और लगन से सबको हराते हैं। मिल्खा सिंह, ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे ही। नंबर 2, एयरलिफ्ट। सुपरमार्केट के बाहर न तुम्हें कोई जानता है न मुझे कोई जानता, हमारी कोई औकात नहीं है। अगर हमारी पहचान है तो सिर्फ एक, कि हम कोई थी नहीं, हिंदुस्तानी है। साथ है तो कुछ है, वरना रंजीत कटियाल जो कुवैत में एक बिजनेसमैन है और जब इराक और कुवैत के बीच युद्ध छिड़ता है तो कुवैत की परिस्थिति बिगड़ जाती है और रंजीत जो एक सेल्फिश बिजनेसमैन है, उसकी आंखों के सामने अपने ड्राइवर की हत्या होने पर रंजीत की सोच में बदलाव आता है और कुवैत में रह रहे भारतीयों को बचाने के लिए रंजीत और उसके दोस्त एक कैंप बनाते हैं जिसमें 170,000 लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपे रहते हैं। रंजीत कटियाल की एक पावरफुल नेगोशिएट स्किल होने के कारण और टीम मैनेजमेंट के कारण वे सबको इराकी सेना से बचाने में कामयाब होते हैं। दो चार दिन का वक्त दीजिए। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी लेवल पे मेरी बात चल रही है। आपको जो करना है जल्दी करिए, बस जॉर्डन का बॉर्डर खुलवाइए क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से।
नंबर वन दंगल। आपने टेक्निक के चक्कर में फंसा के उसका गेम ही उल्टा कर दिया। जो तो वही बात हो गई कि सहवाग को बोला जाए कि भाई तू द्रविड़ की तरियां खेल, ना सहवाग रह जाएगा और ना द्रविड़ बन पावेगा। तो आप ही बता दो मेडल जीतने के लिए किस तरह कुश्ती लड़ी जाती है। मेरा बस चला है तो मैं अभी यही आपको बता दूं कि कुश्ती किस तरह लड़ी जाती है। महावीर फोगाट जो एक रेसलर है, जो पिता है गीता और बबीता कुमारी फोगाट के। दंगल लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है। मेरी छोरी डर से तो जीत गई है। महावीर फोगाट एक पूर्व रेसलर है। उनका सपना है इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीतना। वे अपना सपना पूरा नहीं कर पाते, तब वे चाहते हैं उनका बेटा हो और वो उनका सपना पूरा करे। और बार बार लड़की हो जाने के कारण वे अपनी आस छोड़ देते हैं, पर बाद में वो अपना सपना पूरा करने के लिए अपनी लड़कियों को रेसलिंग सिखाते हैं और उनको वर्ल्ड क्लास रेसलर बनाना चाहते हैं। हारना नहीं है गीता। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। साथ ही लिख भेजिए आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। हम बनाएंगे वो वीडियो जो आप देखना चाहते हैं, साथ ही आपकी कमेंट शो करेंगे वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। यदि आप बेल आइकन पे क्लिक नहीं करते तो हमारी अपडेट्स आप तक नहीं पहुंच पाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, हम इसी तरह आते रहेंगे, मसालेदार वीडियो लाते रहेंगे। अगर सिल्वर जीतती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जाएंगे। गोल्ड जीतती तो मिसाल बन जाएगी। और मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती।